ध्वनि भेदन, ध्वनि भेदन के बारे में तुम क्या जानते हो चंद्रगुप्त? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, फिर चारों ओर से तुम पर आक्रमण किया जाएगा। मात्र आक्रमणकारी की ध्वनि सुनकर तुम्हें उससे बचना भी है और उस पर आक्रमण भी करना है। कैसे कर पाओगे चंद्रगुप्त? इसके लिए वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता है। पर आचार्य सुखदेव का तो यही कहना है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। अंबिका और मेरे दूसरे मित्रों का भी यही मानना है। ये वही आचार्य सुखदेव है ना जिन्होंने तुम्हें उच्च युद्ध शास्त्र की शिक्षा का अवसर देने तक का विरोध किया था, और आज वही स्वयं तुम्हें प्रमाणित कर रहे हैं कि तुम एक दिन में इतने पारंगत हो गए हो कि ध्वनि भेदन युद्ध कर सकते हो। आचार्य, हो सकता है आपका कहना उचित हो, पर यदि अब मैंने अपना पांव पीछे खींच लिया तो मैं सदैव अपने साथियों से पिछड़ जाऊंगा। एक बार कदम आगे बढ़ाने के बाद उसे पीछे हटाना मुझे आता नहीं आचार्य, और वहां मैं सबसे कह चुका हूं कि मैं तैयार हूं। तुम्हारे इस बालहट के समक्ष मैं भी असहाय हूं चंद्रगुप्त, किंतु स्मरण रहे ये वास्तविक युद्ध नहीं है, युद्ध का अभ्यास मात्र है। जो ही तुम्हें लगे कि अभ्यास के नाम पर कुछ और हो रहा है तुम सचेत हो जाना, अभ्यास से बाहर निकला। आचार्य, आप मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं इसलिए मैं आपका सच्चे मन से आभारी हूं। बस एक कृपा और कर दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य। आशीर्वाद हृदय से दिया जाता है, और मेरा हृदय इस अभ्यास को स्वीकार ही नहीं कर रहा। हृदय तो तुम्हारा अनित होते हुए देख रहा है, तो आशीर्वाद का सच्चा भाव कहां से आएगा?